मणिकर्णिका में झांसी की रानी बनने के लिए तलवारबाजी सीख रही कंगना रनौत। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की हंसल मेहता निर्देशित फिल्म सिमरन के बाद अब उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की बायोपिक फिल्म के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मणिकर्णिका क्वीन ऑफ झांसी नाम की इस फिल्म में कंगना रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाती नजर आएंगी। हॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर निक पोवेल के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के लिए कंगना तलवारबाजी सीख रही हैं और पिंक अविला के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें आप कंगना को तलवारबाजी सीखते देख सकते हैं। इस वीडियो में कंगना तलवार चलाना सीख रही हैं। उनके दोनों हाथों में तलवार है और वे इसे किसी कुशल तलवारबाज की तरह घुमा रही हैं। खबरें इस तरह की भी हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कंगना जख्मी हो गई थीं। पिंक अविला की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, चेहरे पर चोट लग जाने से मैं थोड़ी डर गई थी, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि यह किसी पेशवा टीके की तरह है जो मणिकर्णिका पहना करती थीं। यह थोड़ा नाटकीय लगता है, लेकिन मेरा चेहरा खून से लथपथ था। इसके बाद मुझे झांसी की रानी की वास्तविक छवि नजर आई। डायरेक्टर कृष के निर्देशन में बन रही यह फिल्म इसी साल अप्रैल में रिलीज होने जा रही थी, लेकिन अब इसकी डेट काफी आगे खिसकाई जा चुकी है। बता दें कि पिछले कुछ समय से कंगना अपने खुलासों को लेकर चर्चा में हैं। कंगना द्वारा एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से आदित्य पंचोली पर कुछ आरोप लगाए जाने के बाद अभिनेता ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा था, जिसका जवाब अभिनेत्री के वकील रिजवान सिद्दीकी ने दिया। फिल्म सिमरन की अभिनेत्री ने अभिनेता के साथ अपने रिश्तों और जिस शारीरिक व मानसिक पीड़ा से वे गुजरी है उसका खुलासा किया था।